नमस्कार, हम जी ललित नारायण झा और अपने लोगों के स्वागत कर रहा छी अखन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अगर बात करी तो एक स्थापना 1972 ईस्वी में भेल छलै और तकरा बाद जे छै से मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय चार जिला के समस्त कॉलेज के जे छै से अपना अंदर में राखि कऽ एकटा सुंदर सन नाम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रूप में चिन्हल जाइत छै। हालांकि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर के अगर बात करी तो ई दरभंगा के राज परिसर में छे और चूंकि राजा के द्वारा बनायल जे हुनकर अपन उत्कृष्ट कलाकृति सब छलन हैं और हुनके ई आवास या हुनके मकान में जे छे से यूनिवर्सिटी चल रहल छे तो तैं एकर जे बनावट छे वो तो अद्भुत छे। मुदा पिछला किछ समय में जे बहुत रास प्रदर्शन वर्दर्शन भेल छलै तकरा बाद एकर कोर्स सब जे छे से बहुत हद तक जे बिहार के आनंद यूनिवर्सिटी सब छे तकरा अपेक्षा किछ रेगुलर सेहो भेलैए। लेकिन आई जे विषय पर हमरा से बातचीत करबाक लेल एठन एलौं हैं ओ विषय ई छे जे एखन किछ दिन पहिले 4-5-7 दिन पहिले जे छे से बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक बेर फेर से मैथिली के पढ़ौनी शुरू कऽ देल गेलै और हालांकि पूर्व में ही अपने सब जानित हेबै जे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय और तेके बाद बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जे छै से मैथिली के पढ़ाई होइत छलै मुदा समय के संग संग दुनू जगह जे छै से ओ पढ़ाई बंद भऽ गेलै। मुदा एक बेर फेर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैथिली के पढ़ाई शुरू कऽ देल गेलै। तो अपने सब कहब जे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैथिली के पढ़ौनी शुरू भेलै तकरा सँ मिथिला विश्वविद्यालय के कोन संबंध? तो संबंध एहन जे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी अर्थात बिस्कोपमान भवन में चलै छलै तो ओहिठान 2017 के सत्र के बाद 2018 से डिस्टेंस से दूरस्थ शिक्षा में जे मैथिली के पढ़ौनी होइ छलै से बंद कऽ देल गेलै। मुदा हमरा सबके लेल हर्षोल्लास के विषय ई छल जे एहिठान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा जे छै से मैथिली के शुरू कयल गेलै। 18-20 पहिल सत्र छलैए, साल में दूटा सत्र छलै, एकटा जून के और एकटा दिसंबर के। सम्प्रति पहिल बैच में हमहूँ छात्र रही और एखन हाल ही जे छै से हमर सबके परीक्षा सम्पन्न भेल। लेकिन ओकरा बाद स्थिति ई छै जे 2020 के बाद आब नया सत्र जे छै से एहिठाम नहि शुरू हेतै। कारण ई UGC के ई मानव छै या शिक्षा मंत्रालय जे भारत सरकार छै तकर मानव छै जे दूरस्थ शिक्षा जे छै से ओहि यूनिवर्सिटी में नहि हेतै जे यूनिवर्सिटी जे छै अर्थात कैटेगरी 1 जे नहि छै ताहिमे दूरस्थ शिक्षा जे छै से नहि देल जेतै। तऽ कुल मिलाकऽ जे एकटा जे खुशी छल जे एकटा प्रसन्न होइवला समय छलै ओ आब कतौ नहि कतौ हमरा सभक लेल दुखमय समय बदलल जा रहल अछि जे मैथिलीके जे पढ़ौनी एहिठामसँ होइ छलै ओ प्रायः जे छै से बन्द कऽ देल गेलै। नया नई एडमिशन भऽ रहल छै, हालांकि नोटिफिकेशन निकालि कऽ जे छै से एकरा तत्कालीन अनिश्चितकालके लेल एकरा रद्द कयल गेलै और ओहिके बाद जे छै से एकरा आब एक हिसाब से बुझू जे ई सम्पन्न कऽ देल गेलै। तऽ एहिठाम निश्चित रूप से जे छै से ई आंदोलन के विषय छै। एहिठुनका जे जनप्रतिनिधि सब छथि हुनका सबके ई मांग छनि जे शिक्षा मंत्रालय और खास कर शिक्षा मंत्री जे रमेश पोखरियाल निशंक छथि हुनका सब बातचीत कऽ कऽ कारण जे छै से भारत में कतेक एहन यूनिवर्सिटी छै जकर ए कैटेगरी छै, अगर ए कैटेगरी नहि छै तऽ की? ए कैटेगरी नहि छै तऽ ई जिम्मेदारी ककर छै? ई सरकार के जिम्मेदारी छै। अगर सरकार ओहिठाम बुनियादी सुविधा के अगर ठीक से ढंग से जे छै से निर्माण करतै, अगर ओहिठाम नीक से पढ़ौनी हेतै तऽ निश्चित रूप से जे छै से ओ कॉलेज अपना आपके कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में जे छै से नहि देख कऽ कैटेगरी 1 में देखतै। तऽ अगर कोनो यूनिवर्सिटी अगर कैट 1 से कैट 2 में अगर जाइ छै तऽ ओकरा लेल सेहो सरकार जिम्मेदार छै और निश्चित रूप से जे छै से सरकार इहोठन के लेल जिम्मेदार छै। अगर एहिठुनका स्थिति बढ़िया रहते, कैटेगरी जे छै से अगर फुलफिल करतै तऽ एहिठुनका जे जे छात्र सब छथि जे मैथिली लऽ कऽ पढ़ऽ चाहै छथि हुनका लेल जे एकटा ऑप्शन खुजल छलैए ओ कतौ नहि कतौ आब हुनका लोकनिक भविष्य जे छै से अधर में लटकल जा रहल छै। पाछा ललित नारायण मिश्र के जे छै से प्रतिमा छनि और ललित नारायण मिश्र के नाम अबितै एकटा एहन नाम जे जगह पर जे छै से मिथिला के सब जाति जे छै से एक जगह भऽ जाइ छथि। कारण ई हिनकर कृतित्व, हिनकर व्यक्तित्व के जे छै से ई पहचान छनि जे ललित नारायण मिश्र एकटा एहन व्यक्ति के रूप में अपना आप के स्थापित केलथि जे मिथिला के एकीकृत करबाक, चाहे ओ रेल मार्ग से होय चाहे राजनीतिक रूप से होय। और ओहि ललित नारायण मिश्र के प्रतिमा के सम्मुख ई एकटा भव्य सन प्रतिमा जे तत्कालीन जे अहाँके विधान परिषद सदस्य छलथि हैं नीलाम्बर चौधरी, हुनका द्वारा जे छै से हुनकर ऐच्छिक कोष से स्थापित कयल गेल छलनि हैं। मुदा ललित बाबू के खलखल हँसैत एहि प्रतिमा
के लग में जे छै से मैथिली उपेक्षित होत। निश्चित रूप से ई किछु तेहने सन जे छै से दृश्य देखना जा रहल अछि जहिना समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर हँसैत खिलखिलाइत ललित बाबू के राजनीतिक एसेसिनेशन अर्थात राजनीतिक हत्या भऽ गेलनि, तहिना एक बेर फेर से इहो देखना जा रहल अछि जे ललित बाबू के खिलखिलाइत प्रतिमा के सम्मुख जो मैथिली के पाठ्यक्रम से हटा देल जाए, चाहे ओहिमे सरकार के दोख होय या विश्वविद्यालय के दोख होय या एहि व्यवस्था के दोख होय, तो निश्चित रूप से जे छै से ई कतौ से जस्टिफाई नहि करै छै ई चीज जे मिथिला में जो मैथिली के पढ़ौनी बंद भऽ जाए। तो बहुत कष्ट के बात छै, कारण बहुत गोटा में जे छै से एहन तरहक बात छलनि हँ जे नहि एहिठाम से मैथिली के पढ़ाई हेतै तऽ हम पढ़ऽ चाहै छी, हम जे छै से एक पार्ट बनऽ चाहै छी, आओर बहुत गोटा जे छै से जोशो खरोश के संग जे छै से एहिमे एडमिशन सेहो लेने छलथि हँ, लेकिन तकरा बाद जे छै से दू बैच भेला के बाद तेसर बैच में जे छै से ई चीज बंद भऽ जाइ छै, आओर कतौ ने कतौ ई एकटा दुखद बात छै। एक दिस हमरा सबके खुशी एहि चीज के लऽ कऽ भेटैत अछि जे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जे छै से मैथिली पुनः पढ़ौनी शुरू भेलैया, तऽ दोसर दिस एहिठाम मैथिली बंद भऽ गेलै। किछु जिम्मेदारी हमरा लोकनिक सेहो अछि जे विद्यार्थी नहि भेटै छै तैं सरकार जे छै चाहे राज्य स्तर पर होइ या केंद्र स्तर पर अपन पल्ला झाड़ि लै छै जे हमरा विद्यार्थी नहि भेट रहल अछि तैं जे छै से एहि कोर्स के हम बंद करब, मुदा जँ मैथिल मे चेतना जगतै आओर जँ लोक अपना भाषा के प्राथमिकता देथिन आओर ओहिमे अपना आपके जे छै से ढालता तऽ निश्चित रूप से जे छै से सरकार के सेहो मजबूर हुअ पड़तै। सहयोगी राजीव चौधरी, स्नेहा झा और खुशबू चौधरी के संग ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, राज परिसर, दरभंगा।